मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, हाँ बोलो। मुझे वही पोस्टिंग और केसेस चाहिए जो आपने मेरे डैडी को दिए थे। नो नो, आई एम सॉरी माय सन, वो केसेस मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटीज पर कोई शक है या तुम जवान और इनएक्सपीरियंस्ड हो, बल्कि इसलिए कि वो बेहद खतरनाक और पेचीदा मामला है और मैं तुम्हें किसी ऐसे वैसे खतरे में डालना नहीं चाहता। सर, पुलिस की उस ट्रेनिंग ने और इस वर्दी ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं किसी भी खतरे का सामना या मुकाबला कर सकता हूँ। सर, अगर मैंने ये पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं लेट इंस्पेक्टर विजय वर्मा का अधूरा काम पूरा कर सकूं। सर, अगर आपने मुझसे मेरा यह हक छीना तो मेरा दिल टूट जाएगा और मेरा यूनिफॉर्म पहनने का मकसद खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे जज्बे और तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूं और ये फाइल तुम्हें सौंपता हूं। थैंक यू सर। ये उस ग्रुप की फाइल है जिसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं, जैसे बलराज खन्ना, गुरचंद खत्री, मंदार भागवत, अर्जुन राम नानी, प्रकाश खेतानी, सिक्कू मोहता, प्रकाश वाघ वगैरह वगैरह। ये सब दिखावे के लिए कोई ना कोई बिजनेस के मालिक है, मगर डिपार्टमेंट को शक है कि ये सब गैर कानूनी धंधा करते हैं। मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर हो सकता है कि इस ग्रुप ने या इस ग्रुप के किसी आदमी ने इंस्पेक्टर वर्मा का खून किया हो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर। अच्छा, मैं चलता हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, आपको पूरा यकीन है कि बलराज खन्ना भी इस ग्रुप में शामिल है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें शर्म नहीं आती पापा पर इस तरह इल्जाम लगाते हुए? मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, मगर शट अप सूरज, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ये मेरी बात सुनो। टच मी, मत छुआ मुझे। किरण, डोंट टच मी सूरज, लीव मी अलोन। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ पापा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या बात है? पापा, आज मुझे आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है जिसका मुझे यकीन तो नहीं आया, मगर न जाने क्यों एक शक सा हो गया है। बेटा, दुनिया में हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज है, मगर शक का कोई इलाज नहीं। मेरे शक का इलाज है आपके हाँ या ना में, इसलिए कि मैं जानती हूँ आप मुझसे कभी किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलेंगे। बेटे, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला और आज भी नहीं बोलूंगा। क्या पूछना चाहती हो, पूछो। पापा, पापा, क्या आप कुछ ऐसे लोगों के साथ शामिल हैं जो जो गैर कानूनी बिजनेस या धंधे करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। I'm so glad, पापा। I'm sorry, मुझे माफ करना। I love you, पापा। किरण, मेरी बात तो सुनो। किरण, सूरज, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। प्लीज प्लीज डोंट अंडरस्टैंड। किरण, ज्वाइन किया है तो सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं लेट इंस्पेक्टर विजय वर्मा का अधूरा काम पूरा कर सकूं। सर, अगर आपने मुझसे मेरा यह हक छीना तो मेरा यूनिफॉर्म पहनने का मकसद खत्म हो जाएगा। बलराज खन्ना और उसके परिवार से मिलना जुलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आज पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे एक फाइल दी है जिसमें आप लोगों के जुर्म के साथ साथ मेरे डैडी इंस्पेक्टर विजय वर्मा का खून भी दर्ज हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि यह खून भी आप ही लोगों ने किया है, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मगर यह सबूत बहुत जल्द मिल जाएगा। इसलिए कि अगर यह सबूत पहाड़ के नीचे भी दबे हुए हों वो भी मैं उन्हें ढूंढ कर निकाल लूंगा। नौजवान, तुम अभी बच्चे हो, ना समझ हो, गुस्से और जज्बात से काम लोगे तो पछताओगे।
हमारी मानो तो इन चक्करों में मत पड़ो, अपनी ट्रांसफर कहीं करा लो। यही बात हमने तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी को भी समझाई थी, लेकिन वो नहीं समझे, इसलिए तुम समझ जाओ। एनीवे, कम ऑन, हैव अ ड्रिंक, हम तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। लो, ले लो। अगर मां को वचन नहीं दिया होता और ये वर्दी नहीं पहनी होती तो मैं आज तुम्हें मार डालता। देखो दुर्जन, एक बात याद रखो, और अगर याददाश्त कमजोर है तो उसे लिख लो, ये बच्चा हमारी बेटी को बहुत अजीज है। अगर इसे कोई परेशानी या जरर पहुंचाने की तुमने कोशिश की तो हम अपने मालिक के नमक की कसम खाता है, हम तुमको जिंदा काट देगा। जानते हो ये क्या है? ये है व्हाइट गोल्ड। लगा दो हर नौजवान को इसकी आदत। कोई भी स्कूल, क्लब, कॉलेज या मैदान नहीं बचना चाहिए। पहले इसकी डिमांड पैदा होगी, बाद में इसकी सप्लाई। मगर सर, अगर बलराज साहब को इसका पता चल गया तो? कीर्ति, नेवला सांप को मारने से पहले काफी देर तक उसे छेड़ता है, उसे गुस्सा दिलाता है, और गुस्सा ही सांप की मौत का सबब बनता है। तुम मुझे जान से भी मार डालो तब भी ये ड्रग्स, ये जहर अपने बच्चों को नहीं बेचूंगा। मैंने ये जगह इनके मनोरंजन के लिए बनाई है, इन्हें बर्बाद करने के लिए नहीं। चले जाओ यहाँ से, ऐसे गए गए इधर। हम यहाँ से चले तो जाएंगे, मगर तुझे इस जगह के साथ जिंदा जलाकर। जो आग से खेलते हैं वो चलने से नहीं डरते। अरे वो बच्चे, जाओ और थोड़ा सा दूध पी करा। ईमानदारी के पैसों से खरीदे हुए दूध में कितनी ताकत होती है, देख। शायद मुझे अचानक इस तरह देखकर आप लोगों को ताज्जुब हुआ होगा, मगर फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। शरीफ और इज्जतदार शहरी होने के नाते मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोग कानून का साथ देंगे और कोऑपरेट करेंगे। ये देखिए, क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? इसका नाम है कीर्ति कल्याण सिंह। ये ड्रग्स और ब्राउन शुगर सप्लाई करने के जुर्म में पकड़ा गया है। मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। Are you sure? Yes, I'm sure. शायद आपने कहीं देखा हो। नहीं, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। याद कीजिए, शायद याद आ जाए। नौजवान, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, देखा होता तो याद आ जाता। आप लोगों की याददाश्त कितनी अच्छी है अभी पता चल जाएगा। अभी तक तो इस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर जरूर बताएगा। आपने ये तो सुना होगा कि घी टेढ़ी उंगली से निकलता है, मगर शायद ये नहीं सुना कि सच पनमुक्के से निकलता है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं ड्रग्स के बिजनेस के खिलाफ हूं, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या समझते हो, मेरे होते हुए मेरे ग्रुप का कोई भी आदमी ये बिजनेस कर सकता है? इस ग्रुप को जो पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है वो किसकी वजह से? सिर्फ मेरी वजह से। अगर आज मैं इस ग्रुप से बाहर निकल जाऊं तो तुम लोग 2 मिनट के अंदर हवालात में होगे। चिल्लाइए मत मिस्टर बलराज खन्ना, और ये अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर मैं हवालात में गया तो आप भी मेरे साथ हवालात में जाएंगे। इसलिए कि अगर पुलिस ने मेरे घर की तलाशी ली या छापा मारा तो
तुम्हें ये कैसेट वहां जरूर मिलेगा। जानना चाहते हैं इस कैसेट में क्या है? इस कैसेट में आपकी और मेरी पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, जो अब सिर्फ फांसी के फंदे से टूट सकता है। सुनेंगे? इंस्पेक्टर वर्मा के पास हमारे खिलाफ इतने सबूत हैं जिनकी बिना पर कल सुबह कोर्ट खुलते ही वो वारंट ले लेगा। इस मामले में आपने कुछ ज्यादा देर कर दी, लेकिन अभी वक्त है, पर बहुत कम। बोलिए क्या करूं? दुर्जन, तुम जो ठीक समझो करो। बलराज साहब, आप हमारे लीडर हैं, जो आप कहेंगे वही होगा। ठीक है, हटा दो से हमारे रास्ते से। केले।